क्या दोस्तों, आपको पता है फेसबुक पे जो फॉलो ऑप्शन है, बहुत सारे दोस्तों के आप देखते होंगे फॉलो ऑप्शन आता है जहाँ पे एड फ्रेंड नहीं होता है, तो वैसे ही आप लोग भी अपनी फेसबुक अकाउंट में कर सकते हो। और क्या आपको पता है कि फेसबुक में आप अपना अवतार क्रिएट कर सकते हो और मैसेंजर में अपने दोस्तों के साथ चैट के साथ शेयर कर सकते हो। ऐसे ही मैं हाइड टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी 10 बताने वाला हूँ। तो यह सब जानने के लिए वीडियो को आप अंत तक देखिए। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। नंबर एक टिप कि आप अपने फेसबुक में मैसेंज जो फॉलो है वो कैसे एक्टिवेट करोगे, उसको देखने के लिए स्क्रीन पे देखिए क्या करना है। तो उसके लिए दोस्तों क्या करना होगा, आप अपनी मोबाइल फ़ोन के अंदर फेसबुक जो है उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद 3 डॉट्स पे ओके करना है। फिर नीचे नीचे आप जाओगे, वहाँ पे आपको मिलेगा सेटिंग प्राइवेसी, उस पर ओके करना है। उसके बाद में सेटिंग को ओपन करना है। जैसे आप सेटिंग को ओपन करोगे तब आपको नीचे नीचे मिलेगा प्राइवेसी सेटिंग, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको नीचे नीचे मिलेगा हु सेंड योर फ्रेंड रिक्वेस्ट, तो आपको जो फ्रेंड रिक्वेस्ट जो सेंड करने वाला है उसमें फ्रेंड ऑफ फ्रेंड कर देना है और पीछे आ जाना है। बैक बैक आने के बाद ठीक उसी के नीचे आपको मिलेगा पब्लिक पोस्ट, नीचे आप देखोगे तो मिल जाएगा। और उसके अंदर फर्स्ट में आपको पब्लिक करना है, सेकंड में भी आपको पब्लिक करना है, थर्ड में भी आपको पब्लिक करना है और फोर्थ के अंदर भी आपको पब्लिक करना है। पब्लिक करके बैक आ जाना है। फिर आप अपनी फेसबुक के अंदर रिफ्रेश करोगे, रिफ्रेश करने के बाद में आपको ऐसा शो होने लगेगा, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए फॉलो ऑप्शन आ गए ना। तो आपके यदि फिर भी नहीं आता है आपके फॉलो जो ऑप्शन है, तब आपको क्या करना है, वापस 3 डॉट पे आना है। यहाँ पे सीधे अपने ओपन करना है, एडिट प्रोफाइल करना है और उसके बाद आपको डिटेल्स के अंदर एडिट करना है। जैसे आप डिटेल में एडिट करोगे नीचे नीचे आपको मिल जाएगा फॉलो बाय पीपल्स, उस पर ओके करके बैक आ जाना है। और फिर आप रिप्लेस करोगे तो आपके भी वहाँ पे फॉलो ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों देखा कितना आसान है, तो इससे आपकी प्रोफाइल है वो कूल लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तो आप जाइए जाके ऐसे एक्टिव कीजिए, और जिससे आपके फ्रेंड और फ्रेंड लिस्ट के अंदर नहीं आता है कोई भी, तो वो सिर्फ आपको फॉलो कर पाएगा, फ्रेंड रिक्वेस्ट है वो सेंड नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी जानकारी, हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो एक लाइक बनता है। तो दोस्तों नेक्स्ट टिप की बात करते हैं। तो उस नेक्स्ट टिप के अंदर आप लोग जैसे किसी भी जानना चाहते हो कि आपने कौन सी फ़ोटो लाइक की, आपके फैमिली मेम्बर ने कौन कौन सी फ़ोटो हैं वो लाइक की, या जो आपका कोई भी फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, उसने कौन कौन सी फ़ोटोएँ लाइक की, इन सब का आप पता लगाना चाहते हो, तो आप बहुत ही ईजी से पता लगा सकते हो। तो आइए जो नेक्स्ट टिप है उसके बारे में जानते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए स्क्रीन के ऊपर, तो आप बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हो कि आपने 2016 में 17 में कौन कौन सी फ़ोटो हैं, कब लाइक की। दोस्तों उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली अपना फेसबुक ब्राउज़र ओपन करना है और उसके बाद सर्च बार पे लिखना है फोटो लाइक बाई, आपके द्वारा करनी है फोटो लाइक बाय मी, तो आप अपने द्वारा अपने चेक कर सकते हो कि आपने कौन कौन सी फ़ोटो लाइक की है 2015 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, या आपके फ्रेंड के द्वारा लाइक की हुई है तो आप उसका नाम भी दे सकते हो, और आपसे रिलेटिव कोई भी हो उसका नाम दे सकते हो, मदर दे सकते हो, तो यहाँ पर वो शो कर देगा कि आपने कौन कौन सी फ़ोटोएँ लाइक की है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टिप की बात करते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको पता भी होगी कुछ लोगों को। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे आपका फेसबुक मैसेंजर है उस पर आपको पता है कि आप एक रूम क्रिएट करके 50 लोग एक साथ वीडियो कॉल पे चैट कर सकते हो, बातें कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको सिंपली अपना जो फेसबुक मैसेंजर है उसको ओपन करना है और उसके पीपल पीपल का जो ऑप्शन मिलेगा उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद एक लिंक क्रिएट करना है, वो लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है जिनके साथ आप वीडियो कॉल करना चाहते हो। कैसे, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों क्या करना होता है, सिंपली आपको अपना मैसेंजर है वो ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे पीपल का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करना है। फिर एक यहाँ पे आपको एक क्रिएट रूम करना है। क्रिएट रूम करने के बाद जो आपका लिंक बना है वो आप उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनसे आप वीडियो कॉल करना चाहते हैं। तो इसे 50 लोग एक साथ में ज्वाइन करके बातें कर सकते हैं वीडियो कॉल में। तो क्यों दोस्तों, है ना इंटरेस्टिंग। वेल कैसी लगी दोस्तों जानकारी। तो अब नेक्स्ट टिप्स
पे आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, क्या आप चाहते हो कि आपकी जो फेसबुक है वो काफ़ी स्टाइलिश हो? जैसे आपकी कोई प्रोफाइल चेक करे या आपकी फेसबुक ओपन करे तब एक म्यूजिक शो हो जो आपका फेवरेट म्यूजिक हो। तो दोस्तों, वेल, आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हो। तो चलिए, उसके लिए हम आप लोगों को जो प्रोसेस है वो बताते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली आप लोगों को अपना जो फेसबुक है जो आप पोस्ट करते हो वो ओपन करना है। उसको ओपन करने के बाद नीचे म्यूजिक लगेगा, वहाँ पे आप अपना म्यूजिक, फेवरेट म्यूजिक है वो ऐड कर सकते हो, जिससे कोई भी आपकी फेसबुक प्रोफाइल चेक करेगा तो वो भी म्यूजिक है वो ऊपर शो होगा। तो चलिए देखते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे करते हैं। दोस्तों, अपनी प्रोफाइल को स्टाइलिश बनाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली अपनी फेसबुक है उसको ओपन करना है, फिर यार थ्री डॉट पे ओके करना है और आपकी प्रोफाइल पे ओके करना है। जहाँ पे आप पोस्ट डालते हो वहाँ पे आप नीचे नीचे देखोगे म्यूजिक का ऑप्शन मिलेगा आपको, तो वहाँ पे आप म्यूजिक ऑप्शन पे ओके करोगे। और यहाँ पे देखो, मेरे पहले से ही दो सिलेक्टेड किए हुए हैं। यदि आपको कोई अपनी तरफ से या आपको जो म्यूजिक अच्छा लगता है उसको आपको ऐड करना है तो यहाँ पे सिंपली आप प्लस पे ओके करोगे, और जैसे ही ओके करोगे तो आपके जो फेवरेट म्यूजिक जो भी इनके अंदर है वो आपको मिल जाएगा। यदि इनमें से कोई भी फेवरेट नहीं है तो आप यहाँ पे सर्च करके भी अपना ऐड कर सकते हो। अब जैसे मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल तौर पे दिखा रहा हूँ, जैसे तू ही मेरा यार, इसको मैं ऐड कर रहा हूँ। मैंने इसको ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद मैं बैक आऊँगा तो ये यहाँ पे म्यूजिक ऐड मिलेगा। जैसे मेरा जन्नत वाला है तो मैंने इसको थ्री डॉट पे यहाँ पे, जैसे जैसे आपको ये म्यूजिक करना है तो आपको यहाँ पे दिखेगा पिन टू प्रोफाइल, तो इसको आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वो आपके पिन के ऊपर जो है, प्रोफाइल के ऊपर है, वो आपको म्यूजिक है वो शो होने लगेगा। जो भी आपका फ्रेंड या कोई रिलेटिव आपका देखेगा तो उस वो प्रोफाइल पे आपके म्यूजिक लगेगा, और उसको आप बहुत ही आसानी से प्ले कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक प्ले करके दिखाता हूँ ये म्यूजिक, तो ये वहाँ पर आपके प्रोफाइल। तो दोस्तों, काफ़ी स्टाइलिश बनाता है आपकी प्रोफाइल को। जो भी आपकी फ्रेंड है या आपसे कोई भी रिलेटिव है वो चेक करेगा आपकी प्रोफाइल को तो बहुत ही स्टाइलिश लगेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस नॉलेज को जान पाए। तो चलिए आगे नेक्स्ट टिप पे बात करते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। वेल, क्या है कि कुछ लोग घूमने जाते हैं, या आप मान लो घूमने जा रहे हो तो आप अपने रिलेटिव, फ्रेंड या मान लो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, तो ऐसे पर्टिकुलर किसी आदमी को रस्टिकेट करना चाहते हो कि आप अपनी पोस्ट डालो और उसको वो पोस्ट दिखाई नहीं दे। वेल, तो दोस्तों आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हो। उसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आइए मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ सिंपली क्या करना पड़ेगा। बहुत ही आसान है, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, आप किसी को भी रस्टिकेट करना चाहते हो तो सिंपली आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपनी जैसे फेसबुक है उसे थ्री डॉट पे जाना है, प्रोफाइल खोलनी है आपको अपनी, और एज कोई भी आपको एक ऐसा फ्रेंड है वो उसको आपको सेलेक्ट करना है जिसको आप अपनी वो प्रोफाइल है वो दिखाना नहीं चाहते हैं। एग्जांपल तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मान लो कि मेरे फ्रेंड लिस्ट में आदित्य सिद्ध है, मैं उनको अपनी जो फ़ोटो वगैरह है वो दिखाना नहीं चाहता, तो यहाँ पर फ्रेंड वाले पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा एडिट फ्रेंड लिस्ट। तो जैसे ही आप एडिट फ्रेंड लिस्ट पे करोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा रजिस्टर्ड, मतलब पर्टिकुलर एक आदमी को नीचे नीचे आपको दिख रहा होगा, तो वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपकी जो भी फ़ोटो वगैरह जिसके साथ आप शेयर कर रहे हो वो उसको नहीं हो सकती, दिखाई नहीं देगी एक भी फ़ोटो जो आप अपलोड कर रहे हो पोस्ट के अंदर, और जब आप दिखाना चाहो तो वापस इसे यहाँ पर अनचेक कर सकते हो, और बहुत ही सिंपल है। वेल, कैसी लगी जानकारी दोस्तों? तो आप इसे सिर्फ अपनी पोस्ट ही हाइड नहीं कर सकते, उस पर्टिकुलर पर्सन से आपके स्टेटस लगाओगे तो भी है वो शो नहीं करेगी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टिप पे। तो दोस्तों, ये जो नेक्स्ट टिप है वो बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लो कि आप अपनी फेसबुक यूज़ कर रहे हो और आपके चले जाने के बाद तो आप चाहते हो कि आपके ब्रदर, सिस्टर या आपसे कोई भी रिलेटिव या फ्रेंड आपकी फेसबुक खोल के और उसको वापस है वो या तो ब्लॉक कर दे या आपका अकाउंट है वो डिलीट कर दे। तो दोस्तों, वेल, बहुत ही आसानी से कर सकते हो आप लोग ऐसा। तो चलिए आप लोगों को बताता हूँ वीडियो को, आप ऐसा करना चाहते हो तो चलिए आगे देखिए, स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही इजी तरीके से आप ऐसे कर सकते हो कि आपके चले जाने के बाद भी आपका कोई अकाउंट है वो डीएक्टिवेट कर सकता है फेसबुक से। चलिए तो देखते हैं।
उसके लिए सिंपली दोस्तों आपको क्या करना है, अपना फेसबुक मैसेंजर है उसको ओपन करना है, फिर थ्री डॉट पे जाना है, फिर नीचे नीचे आना है, फिर सेटिंग और प्राइवेसी के अंदर ओपन करना है, वहाँ पे सेटिंग को खोलना है। जैसे ही सेटिंग को आप खोलोगे तो ऊपर ही ऊपर आपको मिल रहा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो इस पर ओके करना है। जैसे आप नीचे नीचे लास्ट में देख रहे हो ना मैनेज अकाउंट, तो वहाँ पर आपको ओके करना है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर लेगेशली अकाउंट आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड करना है। और यहाँ पे आप कोई भी ऐसा पर्टिकुलर अपना ब्रो या सिस्टर या फादर जिसको भी आप ऐड करना चाहते हो कि आपके जाने के बाद वो आपका अकाउंट है वो फेसबुक से डीएक्टिवेट कर सके या डिलीट कर दे, तो आप वहाँ पे जाके आराम से उसको सेलेक्ट कर सकते हो और वो आपके जाने के बाद वो आपका अकाउंट है वो यूज़ कर सकता है और आराम से डीएक्टिवेट कर सकता है फेसबुक से। तो दोस्तों नेक्स्ट टिप की बात करते हैं। जैसे नेक्स्ट टिप के बारे में तो लगभग आप सारे जानते होंगे, कभी बार क्या होता है फेसबुक चलाते चलाते आप बोर होने लगते हो, तो फेसबुक के अंदर गेमिंग का एक ऑप्शन आता है जिसके अंदर बहुत से नए गेम आते रहते हैं। तो वेल आपको बता ही देता हूँ, देखिए स्क्रीन के ऊपर और आप अपना जो बोर हो रहे हो ना तो उसे बोरिंग है वो नहीं होगा, गेम खेल सकते हो आप फेसबुक के अंदर, बहुत ही ईजी है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। क्या करना है, सिंपली आपको अपना फेसबुक ओपन करना है, और जैसे ही आप फेसबुक ओपन करते हो ओपन करने के बाद आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिर आप नीचे नीचे आओगे तो आपको वहाँ पे गेमिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, उसको आपको ओके करना है। और वेल दोस्तों यहाँ पे बहुत ही नए नए गेम हैं वो आते रहते हैं जिससे आप खेल के जो फेसबुक से बोर हो रहे हो तो आप बोरिंग है वो अपना बोरिंगपन है वो दूर कर सकते हो। वेल दोस्तों आप बिना किसी थर्ड ऐप के बिना भी आप है वो फेसबुक पे है वो गेम खेल सकते हो, और बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम आते हैं इसके अंदर, तो जाइए जाके गेम खेलिए। अब बात करते हैं अगले नेक्स्ट टिप पे जो बहुत ही सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों पता होगा आपको कि आपकी जितनी भी गतिविधियाँ हैं उसको फेसबुक है वो ट्रैक करता है, और उसके बदले में आपको अटैच जो भी ऐड आते हैं आपके ऊपर वो ऐड दिखाते हैं आपको, तो आप इस एक्टिविटी को बंद कर सकते हो। कैसे बंद करोगे, तो आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों आप चाहते हो कि फेसबुक है वो आपकी जो गतिविधियाँ हैं उसको ट्रैक ना करे, तो उसके लिए आपको थ्री डॉट पे जाना है, फिर नीचे नीचे आना है, फिर सेटिंग प्राइवेसी के अंदर आना है, फिर सेटिंग के अंदर आना है, फिर आप नीचे नीचे जाओगे और नीचे जाओगे तब आपको यहाँ योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन के अंदर तीन नंबर पर आपको दिख रहा होगा ऑफ फेसबुक एक्टिविटी, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आपके जो भी एक्टिविटी जो भी आएंगी तो आप यहाँ पे आपको क्लियर कर देना है, मेरा पहले से क्लियर किया हुआ है। आपके यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारे ऐप वगैरह उनके जो एड्स दिखाएंगे तो वो यहाँ पे आपके ओपन होंगे, तो वहाँ पे आपको क्लियर करना है। और यहाँ पे आप मैनेज योर ऑफ फेसबुक एक्टिविटी, आप यहाँ पे इसको बंद भी कर सकते हो, तो आप चाहो तो यहाँ से बंद कर लेना और चाहो तो यहाँ पे क्लियर कर देना। उसके बाद आपकी जो गतिविधियाँ हैं वो फेसबुक ट्रैक नहीं कर पाएगा और बहुत ही इजी है। तो दोस्तों ऐसे करके आप फेसबुक की जितनी भी गतिविधियाँ हैं अपनी जो लोकेशन वगैरह है सब ट्रैक होने से आप बच सकते हो। बात करते हैं अगले टिप्स की, तो बता दूँ मैं आपको, तो आप बहुत सारे फेसबुक पे एल्बम फ़ोटो देखते हो, तो आप क्या करते हो, कोई भी आपका फ्रेंड है आपका रिलेटिव है कोई भी है जिसका आप पूरा एल्बम डाउनलोड करना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, एक 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 फ़ोटो डाउनलोड करते हो। तो मैं आज आपको एक ऐसा बताऊंगा जो नाम है ऐप का नाम है, गूगल पे अंदर आपको जाकर सर्च करना होगा डाउन एल्बम, और जैसे ही उसको आप गूगल के अंदर ऐड करोगे ऐड करने के बाद में सारा जो एल्बम है वो आप एक साथ एक ही क्लिक के अंदर फोटोएं सारी की सारी है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो क्या ऐप है वो दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये आपको डाउन एल्बम नाम की ऐप दिखाई दे रही है, उसको आपको ऐड टू गूगल क्रोम करना है, फिर आप अपनी जो फेसबुक आईडी है वो लॉगिन करनी है, और जो जितने भी एल्बम है वो आप सारे के सारे एक क्लिक के अंदर डाउनलोड कर सकते हो, तो बहुत ही इजी है और इसको चलाना भी बहुत आसान है। जैसे देखो यहाँ पे इसमें दिया गया है इस तरीके से आप इसको है वो यूज़ कर सकते हो, तो देख लीजिए ऐसे जो रिव्यू इसका है दिया गया है ये देखिए, तो इसे आप एक क्लिक के अंदर सारी की सारी है वो फोटो है डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों चलते हैं
नेक्स्ट टिप पे। तो दोस्तों नेक्स्ट टिप है कि आप अपना फेसबुक के अंदर आप अपना अवतार क्रिएट कर सकते हो, और उसको अवतार क्रिएट करने के बाद में अपने दोस्तों के साथ चैट पे यूज़ ले सकते हो। तो कैसे है, तो चलिए आइए मैं दिखा देता हूँ आपको। दिखाने से पहले मैं आपको एक विशेष बात बता देता हूँ, यदि कुछ लोगों के ये अवतार वाला ऑप्शन नहीं आता है तो या तो अपना फेसबुक है उसको अप टू डेट रखिए या अपडेट कर लीजिए अभी, और यदि नहीं आ रहा है तो फिर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हो सके आपके यहाँ लॉन्च नहीं हुआ है, US के अंदर लॉन्च हो चुका है, इंडिया में कहीं कहीं जगह चल रहा है और कहीं कहीं जगह कुछ लोगों के फेसबुक के अंदर नहीं आ रहा है, कुछ लोगों के आ रहा है, तो घबराइए मत, आ जाएगा आपके, ठीक है। तो चलिए बताता हूँ किस तरीके से अवतार क्रिएट करते हैं। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे आपको आना है सी मोर पे। सी मोर पे आने के बाद में जैसे आप सी मोर ओपन करोगे तो उसके बाद में आपको वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन एक अवतार नाम का ऑप्शन भी मिलेगा आप देखोगे तो, उसमें आप अपना अवतार क्रिएट कर सकते हो, और अवतार क्रिएट करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ चैट पे भी शेयर कर सकते हो, है ना, मज़ेदार बात है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।